कुछ लोग भूल ही जाते हैं, पूरे दिन सातों दिन हफ्ते के महीने के 30 के 30-31 जो दिन है, साल के सारे दिन मुंह खट्टा करके जीते रहते हैं। तो देखो चेहरा ऐसा ही बना रहता, कैसे हो? हाँ ठीक है, चल रहा है। मैं बोलूंगा, पूछता हूँ कैसे हो भाई? ठीक हूँ, मैं बहुत गुस्सा था। छोटा सा कुछ हो जाए तो भी इतना चेहरा बना के हम लोग घूमते रहते हैं कि बस पूरा सागर टूट चुका है तो आपके घर में आकर, या पहाड़ टूटकर गिर पड़ा है आपके सर पर, इससे हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते। काम जब इंसान आनंद के साथ करता है, ध्यान से सुनिए, काम जो काम हम लोग करते हैं दिन भर, जो कुछ को जो भी हो, वो काम हर आनंद के साथ करें, आनंद से करें, तो हमारा विश्राम भी आनंदपूर्ण होता है। अब विश्राम जब आनंदपूर्ण होता है तो काम भी आनंद से होने लगता है, यानी ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ झगड़ा नहीं करी, एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते। हम लोग अगर हमारा काम जो कर रहे हैं, क्या करना पड़ता है यार पापी पेट के लिए, क्या काम मिला है इसको, देखो अच्छा काम मिला है, हमेशा ऐसे होता है, पड़ोसी का घर मेरे घर से अच्छा होता है। सो हमें ये जानना चाहिए कि काम भी आनंद से करना और विश्राम भी आनंद से करना। अभी सोना ही चाहिए यार, सुबह 6 बजे उठ के जाना है वो लोकल से, नहीं ऐसे रोने के गीत मत गाइए। भगवान ने जो नींद दी है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये निद्रा भी क्या है, माँ चंडिका का रूप है। ये सब ये रात को जो सोने का समय है, ये रात को सोने समय ऐसा अनकॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है, बेशुद्ध अवस्था नहीं है, उसमें भी सपने होते हैं। एक स्वप्न सृष्टि बनाई है भगवान ने, हमें सपने भी कैसे आते हैं? चोर पीछे लगा है, कोई मार रहा है, कोई लूट रहा है, कहीं खाई में जाकर गिर रहे हैं, कहाँ डूब रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कोई पीछे आ रहा है, कोई बचा नहीं रहा है। कल एग्जाम्स है, अभी उम्र 80 साल की हो भी फिर भी स्कूल के दिन याद आते हैं सपने में, कल एग्जाम है या अगले हफ्ते एग्जाम है, मेरा कुछ स्टडी नहीं हुआ, ये क्या सपने? भगवान ने क्या दिए, इसलिए दिए आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए। गत अभी 70 साल पहले स्कूल छोड़ दिया, 50 साल पहले स्कूल छोड़ दिया, फिर भी आज भी मुझे वही सपना आता होगा, इसका मतलब क्या है कि उस जमाने की असुरक्षितता की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना, भय की भावना, डर की भावना अभी मेरे मन में इतनी बलवान है कि रात को सोने के बाद भी वो अपना काम करती रहती है।